आज के समय में हर कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, यानी लोगों को अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह है। ऐसे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1091 में इस नकारात्मक भावना को दूर करने के लिए कहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भयानक दर्द लाती है और इसे पूरी दुनिया यानी तीनों लोकों में शापित माना गया है। यदि कोई ईर्ष्या के रोग से मुक्त नहीं हो पाता तो उस व्यक्ति को भयानक दर्द सहना पड़ेगा। ईर्ष्या नकारात्मक भावना के रूप में मन और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ईर्ष्या या द्वेष आपको उदासी और दुख के अलावा कुछ नहीं देता। ईर्ष्या वह रोग है जो आपके शरीर को रोगी बना देगा और आपका दिल नफरत से भर देगा। एक बार आप इस रोग से ग्रस्त हो गए तो आपका मन उदास रहेगा और मन में अशांति बनी रहेगी। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह अपनी उन्नति यानी सक्सेस में दर्द और नाराजगी महसूस करता है, यानी वह ईर्ष्या की वजह से अपने सक्सेस का आनंद नहीं ले पाता और हमेशा जलता और कुड़ता रहता है। इस जलन में किसी दूसरे के बुरे होने पर वह खुशी महसूस करता है और भाईचारे को ठेस पहुंचाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपनी खुशी का तो आनंद लेता नहीं, बल्कि दूसरों के दुख में आनंद महसूस करता है। गुरबाणी हमें यह सिखाती है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा के हुक्म से हो रहा है और गुरबाणी की यह शिक्षा ईर्ष्या को दूर करने का एकमात्र रास्ता है। क्योंकि जैसे आप खुशी को परमात्मा का हुक्म मानते हैं, उसी तरह अगर आप दुख को भी परमात्मा का हुक्म मानोगे तो ही आपके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 308 में कहते हैं, हे भाई, जिसका दिल दूसरों की ईर्ष्या से भर जाता है ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ एक मूर्ख है जो जंगल में अंतहीन रो रहा है। सतनाम श्री वाहे गुरु।